जो मैंने बातचीत की बच्चों से, कोई दिल्ली से, कोई भिवानी से, कोई जींद से, कोई सिरसा से, अलग अलग पंजाब से भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, आपके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के टीचर्स भी और साथ में कुछ बच्चे भी आ रहे थे, तो जब सभी बच्चों को इकट्ठा करके सभी टीचरों का कितना मज़ा आया इस आज के इवेंट में? बस बहुत अच्छा लगा। और अभी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली काफ़ी ब्रांचेज हो गई हैं, और पारस इंस्टीट्यूट का तो ये विज़न है कि पूरे इंडिया में ब्रांचेज ओपन करनी है। और क्योंकि कोविड के बाद पारस इंस्टीट्यूट अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, लगभग 20 प्लस स्टेट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमें कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब हर स्टेट से बच्चों का एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। पारस भिवानी से हमारे साथ हैं, अलग अलग सिरसा से, जींद से, भिवानी से, दिल्ली से, हर इलाके से पारस के जितने भी इंस्टीट्यूट जहाँ खुले हैं वहाँ से स्टाफ और वहाँ के जैसे सेंटर हेड हमारे बीच जुड़ते रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हैं भिवानी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर कैसा रहा आज का यहाँ के डांस डूस का कार्यक्रम, मिलना जुलना? बहुत बढ़िया रहा सर, गेट टुगेदर होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। जो भिवानी में जो सेंटर खुला हुआ कितना समय हुआ? भिवानी में खुले हुए सर आप लोग 4 साल हो गए हैं सर। जैसे अब तक का कैसा रिजल्ट है? बहुत बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा है। पारस की जो पूरी टीम है, हिसार की मैनेजमेंट टीम, वो अपने एफर्ट्स बढ़िया तरीके से लगा रही है और बच्चों को जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो चीज़ें प्रॉपर ढंग से फॉलो कराई जा रही हैं, और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रह रहा है सर पारस का। तो जैसे कि भिवानी से बच्चे पहले हिसार आते थे या बाहर जाते थे, अब जो सीए करने वाले बच्चे आपके सेंटर के ऊपर फोकस करते हैं बच्चे? जी सर बिल्कुल, पारस के जैसे 3 तरीके की क्लासेज होती हैं, पारस फेस टू फेस, हिसार, पारस वर्चुअल क्लासेज जैसे भिवानी में सेंटर है, और पारस एट होम, तो तीनों तरीके में क्लासेज हैं। तो वर्चुअल सेंटर में भी आ रहे हैं बच्चे, और भिवानी के बच्चे ऑनलाइन एट होम पे भी क्लासेज लेते हैं, वर्चुअल सेंटर पे सारी सर्विस वहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है वहाँ भी। जैसे तो जैसे हिसार का रिजल्ट था, ऐसा ही रिजल्ट और क्षेत्र में है या नहीं? नहीं, ओवरऑल बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर, सारे क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है पारस का, जहाँ भी सेंटर है, और पारस के जो भी बच्चे हैं पूरे अपने आप में स्टार्स हैं और चमकते हैं सर, हर जगह पर अपनी चमक बिखेरते हैं सर वो। मैम आपका नाम? कनक नाम है मेरा। आप क्या करती हैं? मैं कोऑर्डिनेटर हूँ सर के साथ ही, हेल्प करवाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और वहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ एज अ भिवानी वर्चुअल सेंटर में। तो बच्चों का किस तरह के इंक्वायरी से आते हैं वहाँ पे, जो बच्चे अगर सीए करने की इच्छुक आते हैं, इंक्वायरी आती है तो किस तरह की आती है, और आप किस तरह से उनको एक तरह से पारस के बारे में जानकारी दे कि बच्चों के ऊपर छाप छोड़ती है? पारस के बारे में मैं मोस्टली यही चीज़ें बताती हूँ कि आपको एज अ एक गाइडेंस के लिए आपको पारस आपके लास्ट तक एंड तक साथ रहेगा, और हर एक पॉइंट पे आपको सपोर्ट करते हैं। फर्स्टली एज अ होमवर्क वगैरह में आपकी रिवीजन रहती है, मतलब रिवीजन सिस्टम इतना अच्छा है कि हम कहीं लैग कर ही नहीं सकते। पहले होमवर्क से, फिर टेस्ट से, फिर यूटीज़, एफटीज़, इतना अच्छा रिवीजन सिस्टम बना रखा है, गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर कंडक्ट करते हैं सब चीज़ें, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उससे बच्चे को भी काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ पारस हमें ज्वाइन करना चाहिए, और एंड तक पारस साथ में, रिजल्ट तक रहता है बच्चे के साथ। और यहाँ जो हमारी टीम का जो मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, एक बच्चे को जब वो प्लस टू करके आ रहा है, उसके बाद आगे फाउंडेशन, इंटर, उसकी पूरी एक फ्रेमिंग है, पूरा सिस्टमेटिक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ हैं, मतलब एक ओनली वन कह सकते हैं हम पूरी इंडिया के अंदर, कि सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही छत के नीचे, और सारे के सारे टीचर्स फुल टाइमिंग यहीं स्पेयर करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, पार्ट टाइम टीचर हमारे पास कोई नहीं है, और परमानेंट फैकल्टी है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है। जैसे हिसार की अगर बात करें, एजुकेशन हब है, उसके साथ साथ कंपटीशन का दौर भी है, तो बच्चे अभिभावक में ताकि पारस अपने दिल में बिठा लें, उसके लिए किस तरह की भूमिका, किस तरह के टिप्स होते हैं आप लोगों की, हाँ पारस इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे आएंगे तो आगे जाके अपना कामयाब हो सकते हैं? सर बच्चा जब हमारे पास आता है तो इतना मैच्योर नहीं होता, उसको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे सीए बनना है, बनना कैसे ये पता नहीं होता। तो जो हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमारे जो बच्चे पहले आते थे सीए करने के लिए, उनको हमने सीए बनाया, तो जब हम उनको देखते हैं कि हाँ ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो वहाँ से हम भी मोटिवेट होते हैं, और उसी कॉन्फिडेंस से हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी कंपनी का ध्यान रखना है कि एक अच्छी कंपनी रखे वो। दूसरा सर मैं कहना तो नहीं चाहता, बट इनफैक्ट ये बहुत अच्छी एक मैसेज है सोसाइटी के लिए,
कि किसी भी इंसान को कामयाब बनना है तो उसको अपने मकसद के लिए सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे इस वक्त की अगर बात कैसी है कि तरह बच्चों का रुझान भी है और इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है पारस का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, उसी के साथ जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, मतलब अलग अलग नज़दीक के जो हरियाणा से लगते प्रांत, वहाँ तो एक तरह से इनके इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, लेकिन पूरे कह रहे हैं पूरे भारत में जाल बिछाएंगे और रिजल्ट नंबर की जो बात करें तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन ही उसको लेकर बच्चे भी हमारे पास आते हैं और पेरेंट्स भी एक तरह से विश्वास करते हैं कि उसी का रिजल्ट है जो आज एक तरह पारस इंस्टीट्यूट पूरे भारत में अपना नाम परचम लहरा रहा है।